यूके को उसका नया प्राइम मिनिस्टर मिल गया है, जो उसके लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंडिया इस बात की खुशी मना रहा है। इसकी वजह है यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का इंडियन ओरिजिन होना, जिसे भारत के इतिहास का न्याय और अंग्रेजों से बदले के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक अकेला भारत ही नहीं है जो ऋषि सुनक को अपना ओरिजिन का कह रहा है, बल्कि इस रेस में और भी कई सारे देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, कीनिया और तंजानिया जैसे देशों का नाम सुनने में आ रहा है। अब ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आखिर है कौन, क्यों इतने सारे देश उन्हें अपना ओरिजिन का मान रहे हैं, और क्या इनके पीएम बनने से भारत को कोई फायदा हो सकता है। आइए इन सब के बारे में जरा डिटेल से जानते हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति ने यूके की प्राइम मिनिस्टर की गद्दी को संभाला है, जो हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है ऋषि सुनक और किस तरह से उन्होंने यूके की राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को यूके के साउथहैम्पटन सिटी में एक इंडियन पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम यशवीर सुनक और माँ का नाम उषा सुनक है। इनके 3 भाई बहन हैं, जिनमें ऋषि सुनक सबसे बड़े हैं। इनके बड़े भाई का नाम संजय है, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट हैं। वहीं इनकी बहन राखी यूनाइटेड नेशन में एक अच्छे पद पर काम कर रही हैं। वैसे तो ऋषि सुनक यूके में ही पैदा हुए और पढ़ाई से लेकर अब तक का जीवन वहीं बिताया है, लेकिन उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है और क्यों भारत उन्हें अपना ओरिजिन का मान रहा है, इसकी बात करें तो असल में ऋषि सुनक के दादा दादी और नाना नानी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, और पंजाब के गुजरांवाला जिला, जो कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, वहाँ से बिलोंग करते थे। हालांकि वो बंटवारे से पहले ही इंडिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन चूँकि गुजरांवाला जिला आज पाकिस्तान में है, इसलिए इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी ऋषि सुनक को अपना ओरिजिन का मान रहा है। बताया जाता है कि ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक ने साल 1935 में केन्या की राजधानी नैरोबी में क्लर्क की नौकरी के लिए गुजरांवाला को छोड़ दिया था। फिर कुछ समय बाद सुनक के दादा और उनका पूरा परिवार नैरोबी में ही शिफ्ट हो गया। यहाँ तक कि ऋषि के पिता यशवीर सुनक का जन्म भी नैरोबी में ही हुआ था, और यही वजह है कि केन्या भी ऋषि सुनक को अपना ओरिजिन का बता रहा है। वहीं अगर हम ऋषि सुनक की माँ उषा के परिवार की बात करें, तो वो भी आजादी से पहले ही भारत को छोड़कर तंजानिया में जाकर बस गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें गुजारा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार यूके चला गया। वहीं दूसरी ओर सुनक के दादा का परिवार, जो कि अविभाजित भारत के गुजरांवाला से नैरोबी पहुंचा था, वो 1960 के दौरान रोजगार की तलाश में अपने बच्चों के साथ यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट हुए थे। इस तरह से ये दोनों ही परिवार हमेशा के लिए वहीं बस गए, और यही वजह है कि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, कीनिया और तंजानिया भी ऋषि सुनक को अपना ओरिजिन का मान रहे हैं। साल 1977 में ऋषि सुनक की माँ उषा और उनके पिता यशवीर सुनक की शादी हो गई थी। पिता नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS में जनरल प्रैक्टिशनर यानी GP थे, जबकि माँ एक फार्मेसी चलाती थी। ऋषि सुनक ने अपनी अर्ली एजुकेशन यूके के विंचेस्टर कॉलेज से पूरी की। उसके बाद लिंकन यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। MBA के दौरान ही ऋषि सुनक की मुलाकात इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता मूर्ति से हुई, जिसके बाद उन्होंने अगस्त 2009 में इंडिया के बेंगलुरु शहर में शादी कर ली, और इस तरह से ऋषि सुनक का इंडिया के साथ एक और रिश्ता जुड़ गया। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यूके में पैदा होने और अपनी अब तक की लाइफ वहीं बिताने के बावजूद भी ऋषि सुनक इंडियन संस्कृति से जुड़े रहे, और ब्रिटिश लैंग्वेज के साथ ही बहुत ही अच्छी हिंदी और पंजाबी भी बोल लेते हैं। ऋषि सुनक ने अपने भारतीय वंश के बारे में बात करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड के अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं पूरी तरह से ब्रिटिश हूँ, यही मेरा घर है और यही मेरा देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है और मैं एक हिंदू हूँ, इसके बारे में मैं बिल्कुल साफ हूँ। अब यहाँ तक तो हुई ऋषि सुनक के ओरिजिन और किस देश से उनका क्या कनेक्शन है, इस सब की बात, लेकिन आइए अब एक नज़र उनके करियर पर डालते हैं। तो उनके करियर की शुरुआत साल 2001 में उस समय हुई थी, जब उन्होंने कैलिफोर्निया में एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के लिए एक एनालिस्ट के पद पर काम करना शुरू किया था। उसके बाद साल 2004 में उन्होंने हेज फंड मैनेजमेंट फर्म द चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट TCI के लिए काम किया। कुछ सालों तक काम करने के बाद साल 2009 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसके एक साल बाद ही
अक्टूबर 2010 को 536 मिलियन डॉलर के साथ एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म थैलम पार्टनर्स की शुरुआत की। अब अगर हम देखें तो ऋषि सुनक ने शुरुआत में एक बिजनेसमैन के रूप में काम किया, जहां वो काफी सफल भी रहे, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी होने की वजह से वो सिर्फ एक बिजनेसमैन बने रहना नहीं चाहते थे, इसलिए 2014 में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और इसी साल वो यूके के पार्लियामेंट के सदस्य बन गए। उसके बाद साल 2015 में उन्होंने पहली बार रिचमंड से आम चुनाव लड़ा और अपनी प्रतिभा की वजह से बहुमत के साथ जीत हासिल की। फिर उन्होंने 2015 से 2017 तक सांसद के तौर पर काम किया और उस दौरान अपने इलाके में खूब प्रसिद्धि भी हासिल की। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2017 में यूके के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक को ट्रेजरी का प्रमुख सचिव नियुक्त कर दिया था। 2019 में ऋषि सुनक फिर से सांसद के रूप में चुने गए और बहुमत के साथ जीत दर्ज की, लेकिन अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा फेम तब हासिल किया जब उन्हें 2020 में ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुना गया। अब 2020 पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बुरा समय था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि उस वक्त ग्लोबल पैंडेमिक फैला हुआ था और हर कोई उससे डील करने में और अपने देश के नागरिकों को बचाने में लगा हुआ था। उस समय ऋषि सुनक ने फाइनेंस मिनिस्टर के पद को बखूबी संभाला और कई बेहतरीन अनाउंसमेंट भी किए, जिनकी वजह से देश भर में उनकी एक मजबूत इमेज डेवलप हुई और यही चीज उनकी आगे की पॉलिटिकल जर्नी में काफी मददगार भी साबित हुई। कोविड-19 महामारी के बीच सुनक ने अपना पहला बजट 11 मार्च 2020 को पेश किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने 30 बिलियन पाउंड के एडिशनल खर्च की अनाउंसमेंट भी की, जिसकी खूब सराहना की गई। धीरे धीरे वो इतने फेमस हो गए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्हें चुना गया, लेकिन ये रास्ता इतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। एक दूसरे देश से पलायन करके किसी अनजान देश में बसना, वहां संघर्ष करना और 730 मिलियन पाउंड का मालिक बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पहली बार इतना अमीर आदमी बैठा है, जिसकी संपत्ति किंग चार्ल्स और क्वीन फैमिली की 350 मिलियन पाउंड की संपत्ति का लगभग दोगुना है, जिस वजह से ऋषि सुनक और भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब ऋषि सुनक हमारे भारत के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे, इसके बारे में तो अभी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, यूके के लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के इसी प्रॉमिस के साथ उन्होंने इस पद को संभाला है। अब देखा जाए तो ऋषि सुनक ने पद पर रहते हुए बहुत से अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन आए दिन उन पर कई एलिगेशंस भी लगते रहते हैं। जैसे एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनके ऊपर उनकी ही कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने पीएम बोरिस जॉनसन को धोखा देने का आरोप लगाया था और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गद्दी से उतारने के पीछे ऋषि सुनक का ही हाथ है। इसके अलावा उन पर टैक्स चोरी का इल्जाम भी काफी समय से लगता आ रहा है। साथ ही एक तरफ तो वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद रूस की भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के खिलाफ काफी भाषण देते नजर आए हैं, जबकि उनकी पत्नी की कंपनी रूस के लिए काम करती है। इसके अलावा पैंडेमिक के टाइम उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद यूके की एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे चली गई थी। अब आने वाले दिनों में वो यूके के हालात को कैसे सुधारते हैं और इंडिया को वो किसी तरह का फायदा पहुंचाते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपको ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने में भारत का कोई फायदा नजर आ रहा है या नहीं, कमेंट करके अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।